साथियों सभी को अस्सलाम वालेकुम। सम्मानित मंच और सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है ये जो छोटे से वर्कर को जो एक टिकट दिया है, मैं दिल की गहराई से विधायक हसन साहब और अली मैनी साहब का बहुत दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। उन लोगों के लिए मेरे पास बहुत बड़ा एहसान किया है। अब ये काम तो विधायक हसन साहब ने कर दिया, तो आगे का काम आप लोगों ने करना है। वो कैसे करना है? आपने खुद का वोट तो डालना ही डालना है, अपने पड़ोसी का, अपने मिलने जुलने वालों का, अपने साथियों का से भी वोट डालना है। सभी से मेरी गुजारिश है, ज्यादा वो मेरे से बोलना नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। भाइयों साथ देना है आपने, इंशाअल्लाह अगर आपने मुझे इस काले समझा तो विधायक के हसन साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, जैसे उनके आगे जो काम उससे भी ज्यादा होगा, जो निगम पार्षद के अंदर में आते हैं वो तो होंगे ही होंगे, मगर उससे भी ज्यादा, उससे भी बढ़ के विधायक का और एमपी का जो फंड होगा वो भी मैं विधायक हसन साहब से गुजारिश करके कहीं ना कहीं से लगवा यहाँ पे कोई काम की जरूरत हम लोग अपने वालिद के साथ थे, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग 2003 में हम लोगों के साथ मौजूद थे वो आज भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। एक इंसान जिंदगी में हारता भी है और जीतता भी है। बहुत से लोग जीतने के बाद भी हार जाते हैं और बहुत से लोग हारने के बाद भी जीत जाते हैं। हम लोगों ने अपने आप को विधानसभा के अंदर कभी हारा हुआ माना नहीं है। 2019 मेरे वालिद आपको पता है कि बहुत ज्यादा बीमार थे, आईसीयू में थे, और मेरा बाप भाई अली मैनी जो आप लोगों का प्रत्याशी था, लीडर था, वो यहाँ आप लोगों के बीच में उतरा। मुझे मालूम था कि हालात क्या है, और जब हारने के बाद मैं बाहर निकला तो ANI ने जो न्यूज चैनल है उसमें मेरा इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोगों को विधानसभा में बहुत करारी हार मिली है तो आप तो बहुत निराश होंगे। मैंने कहा मैंने जिंदगी में अपने वालिद से बातचीत की है कि, और मेरे वालिद ने अपने बुजुर्गों से सीखी और जाहिर मेरे बुजुर्गों ने ये चीज इस्लाम चली है और इस्लाम का है कि तुम जिंदगी में अपना जो बेस्ट है वो करो
नतीजा आना आना परवरदिगार आलम के हाथ में। पहली जो बात एएमआई शुरू वालों को बोली कि तो जिम्मेदारियां थी, मैं रेशन इंचार्ज था, भाई था, मेरे वालों की तरफ खराब थी, लेकिन तमाम विधानसभा के लोगों ने जो फैसला लिया है हम लोग फैसले के साथ हैं, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे नहीं थे कि वो हमें वोट दें, उस वक्त के हालात ये थे कि बीजेपी को हराना तो ऐसी बात है, वो हमें पूरे साथ हमारी फिक्र हमारी सोच इन सब चीजों में नहीं है कि हमें हराया है या हमें जिताया, तो कुछ नहीं है, हमने खिदमत खल करना सीखा है और जब तक अल्लाह ने हमारी हयात हमारी जिंदगी लिखी भी है, मेरे वाले ने मुझे सिखाया है लोगों की खिदमत करते रहना चाहे हारो या जीतो, उसमें भेद नहीं है। बीजेपी से दुखी है और उसको पीछे से छुरा होता है केजरीवाल दिया है आपने जो आपका नर्गस है उसने फिर नोटिस दिया कि बिल्डिंग कैसे बनी, ये कहां से आया, ये क्या हुआ। पहले तो आप कहते थे 400 लोगों को कोरोना हो गया, 300 लोग उसका मतलब सारा मरकज फैला है। एक लफ्ज केजरीवाल जी ने नहीं बोला और नफरत फैलाने का काम किया। कई जगह पर ऐसा हुआ कि अगर कोई मुसलमान फेरी लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, तो कुछ लोगों ने उसको लगा दिया कि हम तुम्हारी सब्जी नहीं खरीदेंगे। ये आना चाहते हो आप देश के अंदर? ऐसे लोगों से होशियार नहीं है, इन्होंने बड़ा धर्म किया है, बात के लिए कुछ किया नहीं। एक स्कूल था मुस्तफाबाद में जो टेंटों के अंदर चलता था, उसमें मैंने पोका केवल लगवाए, उसके सामने भी दूसरा स्कूल था प्राइमरी स्कूल कॉर्पोरेशन का, वो बिल्डिंग की मेरी वजह से बनी। ये बिल्डिंग बनती हमारे नवली दिल्ली सिस्टम एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये मैं 3 मंजिल मैंने पास करवाई थी। आज कितने साल हो गए? 10 साल। 9 साल से आप पार्टी है यहाँ, 1 साल पहले मैंने पास करवाया, आज आपने उद्घाटन किया और कोटा के जंगल को तोड़ दिया। वो 6 महीने से वहां पार्किंग है, लोगों को बच्चों को यमुना विहार भेज दिया, एक लड़की उसमें मारी है। आप नजर आई झूठ की कहां है? वो लिमिट है झूठ की, ना काम करने की। मैं किसी के कभी ये पसंद नहीं करता कि वो निकले आपके गाली खाने के गाली मिट्टी भेजती हो, इस चीज के भी खिलाफ एमएलए की हैसियत कम हो रही है, लेकिन ये चॉइस आपकी है। आपने देखा नहीं कौन आ गया और आपने अंधा होकर खड़ा था, खड़ा था, खड़ा था, चलो ये आवाज चलते चलो ये बात कर। हमने आपकी बात का स्वागत किया, अगर आपकी मर्जी ऐसी है तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा दर्द आप लोगों के दिलों में, जो आप चुप हैं बोलते कुछ नहीं है, आप बोल नहीं रहे। बीजेपी आपको मारना नहीं चाहती, बीजेपी आपको मारना नहीं चाहती, बीजेपी आपको डरा के दूसरे बनाना चाहती है। आप उसे करो, इससे होशियार रहिए। सिर्फ एक पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, वो है कांग्रेस पार्टी, जिसका नेता राहुल गांधी कर रहा है, सोनिया गांधी कर रहा है। वो आपके दोस्त हैं, वो आपके भाई हैं। चौधरी मेहरा सिंह जी हमारे
बड़ी मेहरबानी थी हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक माननीय भगनामा जी और क्षेत्र में निगम उपासन के प्रत्याशी ये फाइनल है।